फियर को भगाने का एकमात्र रास्ता है, जिस चीज का फियर है उसके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग का फियर है तो महीने में दो बार कहीं ना कहीं बोलना ही पड़ेगा। स्विमिंग का फियर है तो राजेश अग्रवाल की सीधी सजेशन आपको मिलती है, जाओ और पानी में कूद जाओ, बस कमर तक पानी होना चाहिए। अगले बात पर ध्यान दीजिएगा। केवल 10% MBA बिजनेस करने का सोचते हैं, 90% कहते हैं भाई साहब नौकरी ठीक है, फिक्स मिल जाए 7 तारीख को 5 बजे टंग 10 से 5 तो मीडियोकर्स काम करते हैं। क्रिएटिव आदमी का कोई वर्किंग आवर नहीं होता है। केवल 20% लोग हैं जो वहां पहुंच पाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वो हर आने वाले दिन पिछले दिन से बेटर बनाते हैं। सेमिनार अटेंड करते हैं, ऑडियो सीडीज सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। जब भी आप सेमिनार में आए, एक निवेदन, चाहे मेरे में आए या प्रवीण भाई में आए या राजेश जी में आए या जो भी वक्ता आते हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स की खास बात है साइकोलॉजिकल, जब आप नोट्स बनाते हैं तुरंत वो प्रोग्राम रजिस्टर होता जाता है। आजकल हमने नोट्स बनाने छोड़ दिए, तो ये हमने अपने उस्तादों से सीखा जो खुद हम खुद फॉलो करते हैं। चार तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और बड़ा फनी है ये, जब मैं आपको बताऊंगा आपको आनंद भी आएगा। टाइप 1 वाले एम्प्लॉय को मैं कहता हूं आई कैन आई विल, ये टाइप 1 है। सर मैं ये काम कर सकता हूं और करने की इच्छा रखता हूं, ये मास्टर क्लास एम्प्लॉय है, इसको जरूर अपने पास रखिएगा, ये एसेट है आपकी कंपनी में, इसको ट्रेनिंग जरूर अटेंड करवाइएगा। बताऊं क्यों? क्योंकि जितनी ट्रेनिंग ले लेगा उतना उसका कैन और विल फैक्टर मल्टीप्लाई होता जाएगा। मेरी बात पहुंच रही है तो रिस्पॉन्स करें। जितनी ट्रेनिंग ये लेगा उसका कैन बढ़ता जाएगा और विल बढ़ता जाएगा। टाइप 2 पर हम जाते हैं जो कहते हैं सर आई कैन बट आई वॉन्ट, ये मजेदार है। सर कर सकता हूं, करूंगा नहीं, जो करना है कर लू, इंटरेस्टिंग, जानता हूं काम करना, आज मूड नहीं है, ठंड थोड़ी ज्यादा है। सफल व्यक्ति मूड खराब होने के बावजूद भी काम करता है, असफल मूड का गुलाम रहता है, बस और कोई फर्क नहीं, और कोई फर्क नहीं, और कोई फर्क नहीं, इतना सफल। सफल व्यक्ति मूड अपने में सेपरेशन करना जानता है, मूड अपनी जगह, काम अपनी जगह, असल कहता आज मूड ठीक नहीं, फिर तो रोज ही मूड के गुलाम रहोगे। सो आई कैन बट आई वॉन्ट, मैं कर सकता हूं बट इच्छा नहीं है, इससे बात कीजिए, इसको समझाइए और धीरे धीरे इसको टाइप 2 से टाइप 1 में लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा टाइप 3, आई विल बट आई डोंट नो, ये इंटरेस्टिंग है। मैं करने की काम की इच्छा रखता हूं बट काम करने का तरीका मुझे आता नहीं। इनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है, वो टेक्निकल स्किल हो या पीपल हैंडलिंग स्किल हो। लास्ट वाला टाइप मैं लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा और आपको मजा आएगा। ऐसा है ना, मैं करूंगा ना कर सकता हूं ना करने दूंगा, और जो करेगा उसको भी देख लूंगा। ठीक कह रहा हूं सर, यही है ना टाइप 4। इनको बकायदा बुलाइए, इनको बकायदा बुलाइए, प्रेम पत्र पकड़ाइए, कहिए भैया तेरे से पर्सनल रिश्ता रहेगा, वर्किंग रिलेशन नहीं चल सकता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज है और जो कंपनीज के रूल्स है उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज कोई व्यक्ति करता है तो आपको बड़े सटल तरीके से बिना एंगर किए हुए बड़े डिप्लोमेटिक वे से एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक आलू सारे आलू को बर्बाद कर देगा। इसमें यह थोड़ी है कि आपके प्यार में कमी है, आप उसको कहो बेटे कभी कोई पैसे की जरूरत हो तो आराम से आ जाना मैं दे दूंगा, लेकिन तेरा ये जो बिहेवियर है ये ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पे दिक्कत डाल रहा है। अगर ये यहां से यहां आ सके, आ सकता है, वो आपकी पेशेंस पे निर्भर करेगा और आपकी एबिलिटी टू मोटिवेट करने पे निर्भर करेगा, और आप किस तरह का विजन उसको दिखा पा रहे हैं वो आपकी अपनी स्किल पे निर्भर करेगा। जैसे मैं एक ओनर को जानता हूं जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, और वो टाइप 4 के एम्प्लॉय को टाइप 1 एम्प्लॉय में कैसे उन्होंने ट्रांसफर किया वो मैं आपको केस स्टडी प्रेजेंट कर देता हूं। वो टाइप 4 ही था, ना खुद करेगा, ना करने देगा, ना पैकिंग ठीक करेगा, माल में गड़बड़ निकल जाएगी, कंप्लेन करेंगे क्लाइंट, रोज कंप्लेन आ रही है उसकी। तो उसने ट्रेनिंग ले रखी थी, पेशेंस रखा, तो एक दिन
फैक्ट्री में जाते हुए उससे वो पूछता है ओनर, और डेविड क्या हाल है, डेविड उसका नाम। तो डेविड कहता है ठीक है सर, कैसा लग रहा है काम। दो चार प्रश्न लोगों से आप जरूर पूछा कीजिए, प्रश्न से लोगों की पूरी बायोग्राफी समझ में आ जाती है। तो वो डेविड से पूछता है कि भाई क्या हाल है। बोले ठीक है, अच्छा डेविड तुझे अपना काम कैसा लगता है। आपको अपने एम्प्लॉयज से वन टू वन टच रखना पड़ेगा, सारा मैनेजर पे मत छोड़ दीजिए। अगर आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच मैनेजर है तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। मैनेजर रहे लेकिन आप भी उनके साथ पर्सनल टच बना के रखें, तब मजा आए। तो डेविड ने कहा बस ठीक है रोज सर वही काम है, क्या इसमें एक्साइटमेंट क्या है। तो बोले ठीक है, तो ऐसा करो आधे घंटे बाद हमारे चैम्बर में मिलो, तुमसे कुछ बातें करनी है, आज काम हम बाद में देखेंगे। तो डेविड चैम्बर में जब आता है, टाइप फोर कैटेगरी है वो, तो जो ओनर है वो उसको वर्ल्ड का मैप दिखाते हैं और कहते हैं डेविड देखो ये वर्ल्ड का मैप है और ये वर्ल्ड में इतनी जगह है जहां हमारा कंप्यूटर जाता है और ये उतनी जगह है जहां हम बेचना चाहते हैं लेकिन अभी पहुंच नहीं पाए। ठीक है सर, अच्छी बात, डेविड को क्या लेना था। नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं डेविड, अगर ये कंप्यूटर जहां हम बेचना चाहते हैं वो सारी जगह और बढ़ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा, और अगर कम हो जाए बुरा लगेगा। अच्छा डेविड, अगर पैकिंग ठीक से नहीं हुई तो जगह बढ़ेंगी या कम होगी। आराम में आपके साथ जी जी सर, जगह कम है। तो डेविड तुम खाली कंप्यूटर पैकर हो या अपने देश की इकोनॉमी को डेवलप करने का एक हिस्सा हो। देश की इकोनॉमी का हिस्सा पैकर, दोनों में फर्क हो गया ना। इस वर्ड को लिख लीजिए, अंग्रेजी में बोलते हैं पैराडाइम शिफ्टिंग, मानसिक चित्र बदल देना, बंदे का मानसिक चित्र ही बदल देना, पैराडाइम शिफ्टिंग बोलते हैं। ये कॉन्फिडेंस देना अपने आप में पैराडाइम शिफ्टिंग है। ये लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि खुद का ही पैराडाइम खराब रहता है। बात पहुंच रही है आपका, खुद का ही आत्मसम्मान गिरा रहता है तो दूसरों को क्या आत्मसम्मान देंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लोगों का पैराडाइम कैसे शिफ्ट करें। जो शॉर्ट टर्म बिजनेस ओनर्स होते हैं वो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, जो विजनरी बिजनेस ओनर्स होते हैं वो केवल ये सोचते हैं कि मेरे प्रोडक्ट से इस आदमी का भला कैसे हो सके। दैट्स ऑल, प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, मेरे प्रोडक्ट से और मेरी सर्विस से इसका भला कैसे हो सके, प्रॉफिट अपने आप आ जाए। ये लॉन्ग टर्म वाले जो 15 20 25 साल का बिजनेस विजन लेके चलते हैं, जो साल भर का विजन लेके चलते हैं वो साल भर की सोच रखते हैं। 3 से 5 साल तो बिजनेस को समझने में लग जाते हैं, 7 से 11 साल लगते हैं ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में, मतलब टॉप 10% में आने के लिए, और उसके बाद की जर्नी बड़ी मजेदार है, उसको बरकरार रखने में पूरी जिंदगी लग जाती है जो आपने अचीव किया। मतलब सफलता पाना कोई बड़ी बात नहीं है, टू मेंटेन सक्सेस इज द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब।